फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? एंड हाउ इज योर न्यू टर्म गोइंग ऑन? और अगर आपकी एग्जाम्स चल रही है मेरी तरह, देन हाउ इज दैट गोइंग ऑन? सो अभी मैं रेडी होके आ गई हूँ नीचे अपने स्टडी एरिया में फॉर स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले तो मैंने वो टाइम टेबल नहीं बनाया था, तो उस अकॉर्डिंग ही मैं करती थी। बट उसके बाद अभी एग्जाम्स चल रही है, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरा क्या स्टडी रूटीन रहता है वो आपको आज के ब्लॉग में पता चलने वाला है। वैसे तो पूरा दिन पढ़ाई 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 रहती है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाई। जैसा कि ये स्टडी ब्लॉग है, तो लाइक डेली ब्लॉग्स में आप बाकी की चीज़ें तो देखते ही है, तो मैंने सोचा कि अब ना मैं आपसे मिलूंगी जब नेक्स्ट स्लॉट मेरा स्टडी का होगा, जब मैं अभी स्टडी करूंगी आफ्टरनून में तब। सो फ्रेंड्स, अभी लंच वॉक वगैरह हो गया है एंड आफ्टरनून में आई हूँ मैं नीचे पढ़ाई करने। वैसे तो यूजुअली ना मैं ऊपर पढ़ाई करती हूँ आफ्टरनून में, लेकिन अभी तामझाम थोड़ा पढ़ाई का ज़्यादा है, तो इतनी सारी बुक्स कहाँ मैं ऊपर लेके जाऊँगी, तो इसलिए मैं नीचे ही आ गई। फिर मैं सोच रही हूँ कि इवनिंग को मैं ऊपर पढ़ाई करूँगी, क्योंकि तब एक या दो ही टेक्स्ट बुक नोटबुक लेनी होगी ना मुझे। तो वैसे फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम्स के बीच में जो स्टडी लीव्स दी होती है ना, वो वैसे तो बहुत हमें हेल्पफुल रहती है एंड मुझे भी बहुत हेल्पफुल रहती है ऑफकोर्स, क्योंकि हम जो अपना फाइनल रिविजन होता है ना, हम सोचते हैं कि वो हम स्टडी लीव में कर लेंगे। दो दिन, तीन दिन, चार दिन की जो स्टडी लीव होती है हर एक सब्जेक्ट के बीच में, उसमें हम करेंगे। बट फिर कभी कभी ऐसा लगता है, स्टडी लीव नहीं होती ना तो अभी तक मेरी एग्जाम्स फिनिश हो गई होती। मतलब लिटरली मैं अभी स्टडी लीव से थोड़ी बोर हो गई हूँ, क्योंकि बहुत अभी लंबा जा रहा है एग्जाम का। स्टडी लीव फिर एग्जाम, स्टडी लीव फिर एग्जाम। वैसे फ्रेंड्स, एक बात बताऊँ, जब एग्जाम का टाइम टेबल आता है ना, तब तो ऐसा लगता है कि वाह, कितना मजा आएगा, वी आर सो लकी कि हमें ना बीच में स्टडी लीव इतनी ज्यादा मिली है। वैसे फ्रेंड्स, जब मेरा एग्जाम टाइम टेबल आया था ना, तो मुझे भी लाइक मैं इतनी खुश हो गई थी, मुझे इतना मजा आया था। एंड मैंने मम्मा को जाके तुरंत बताया कि इतनी सारी स्टडी लीव दी है बीच में, तो मुझे ऑफकोर्स बहुत मजा आया था। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रैंक, मुझे अभी इतना मज़ा नहीं आ रहा है स्टडी लीव्स में। मतलब कितना हम रिवाइज कर करके करेंगे, फिर इतना कुछ और करने का भी मन नहीं होता, तो मुझे लगता है कि स्टडी लीव्स थोड़ी अभी मेरी कम होती या फिर नहीं होती, तो अभी तक एग्जाम्स मेरी और हो गई होती एंड मैं अपना वैकेशन, जो मिनी वैकेशन होता है ना, वो एंजॉय कर रही होती। बट अब इसका हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, स्टडी लीव्स दी गई है तो पढ़ाई तो करनी होगी उसमें। स्टडी लीव्स के कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, तो यस, बहुत मैंने बातें कर ली, चलिए आफ्टरनून की पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। इज डन एंड अब हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ कि आफ्टरनून को मैं ना वो टेक्स्ट बुक और नोटबुक ऊपर लेके जाना भूल गई थी, तो मुझे नीचे तो आना ही था, आई मीन आना पड़ा ऐसा ही था, क्योंकि बुक सारी मेरे नीचे है। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर ही अब पढ़ाई करते हैं, अब ऊपर नीचे नहीं करना है, तो फिर से अब नाइट की पढ़ाई मैं यहाँ पर ही करने वाली हूँ, आई मीन इवनिंग की पढ़ाई। वैसे फ्रेंड्स, एक्चुअली यहाँ पर ना पढ़ाई करने का मज़ा भी आता है,
क्यों? क्योंकि मेरा जो रूम है ना वो थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि उसके ऊपर ही डायरेक्टली टेरेस है, तो ये ना एकदम ही कूल कूल ठंडा ठंडा आता है, तो मुझे यहाँ पे वैसे पढ़ाई करने का बहुत ही मजा आता है। तो पहले तो यही सोच रही थी कि वैसे बहुत से लोग मुझे बता रहे थे स्टडी ब्लॉग लाने के लिए, बट मैं सोच रही थी कि एवरीडे मैं स्टडी लाइक जो करती जाती हूँ वो आपसे शेयर करती जाती हूँ, तो ऐसे तो मैं किस टाइप से पर्टिकुलर स्टडी ब्लॉग करूंगी। बट फिर मुझे आइडिया आया कि बहुत से लोगों ने कहा है ना, तो मैं इस टाइप से करती हूँ कि लाइक पूरे दिन में जब मैं स्टडी कर रही हूँ ना वही मैं ब्लॉग में लूँ, बाकी का जो रूटीन होता है वो तो आपने देखा हुआ ही है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ स्टडी ब्लॉग चाहिए था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए। अब आप कमेंट करके बताना कि आपको ये आइडिया मेरा कैसा लगा। बाकी तो और एवरीडे का रूटीन तो आप रोज देखते ही है, तो उसमें तो कुछ न्यू लाइक है नहीं। और वैसे फ्रेंड्स अभी तो एग्जाम्स चल रही है, बट उसके बाद लाइक एग्जाम ओवर हो गए फिर थोड़े से कुछ बीच में नहीं हॉलीडेज आते वो आएंगे, और उसके बाद जब न्यू टर्म स्टार्ट होगी ना, मैं स्टार्टिंग से ही जो जो स्टडीज करती जाऊंगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती जाऊंगी। एक्चुअली जो मैं सारे लाइक नोट्स बनाती जाऊंगी, अंडरलाइन हाइलाइट्स वगैरह जो सब भी करती जाऊंगी ना वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, एंड वो भी हर एक चीज़ डिटेल में आपके साथ व्लॉग्स में शेयर करती जाऊंगी, जैसे मैं अभी करती हूँ वैसे ही करती जाऊंगी। वैसे फ्रेंड्स अभी का देखा जाए तो अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ सच न्यू नहीं है आपसे शेयर करने का, जब किया था तब वो मैंने आपसे शेयर कर दिया था लाइक अंडरलाइन हाईलाइट वगैरह, फिर नहीं मैंने माइंड मैप फ्लो चार्ट्स डिफरेंस वाले चार्ट्स बनाए थे तो वो सब भी आपसे शेयर किया है, फिर पास्ट पेपर्स जो है ना वो मैंने सॉल्व किए थे, उन सब में से ना क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट करते करते लाइक लिखे थे वो भी किया है, देन बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस भी की है लाइक, तो वो सब ना शेयर हो गया है। तो अभी तो फ्रेंड्स मुझे सिर्फ यही करना है कि पूरे सिलेबस में मैंने ऑलरेडी जो सब कुछ कर लिया है, जो सारे एफर्ट्स डाल दिए हैं ना, वो सबको जब मैं फाइनल रिविजन करूँगी उसके लिए, तो बस वही मुझे उसका ही फाइनल रिविजन करना है, तो उसमें तो कुछ ऐसा लाइक बार बार जो रिपीट ही होगा ना कि ये मैंने कर लिया है, फिर से वो मुझे रिवाइज करना है एंड लाइक दैट। सो दिस इज़ माई लास्ट स्टडी स्लॉट फ्रेंड्स। वैसे कभी कभी ना मैं आफ्टरनून में नहीं कुछ एक्टिविटीज़ करती हूँ, तो उस टाइम स्टडी स्लॉट थोड़ा छोटा हो जाता है, तो वो स्टडी में मैनेज करती हूँ नाइट में, लाइक सोने से पहले ना मैं थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ, तो वो मैं टैबलेट में से भी रिवाइज करती हूँ, या फिर जो नोटबुक्स होती है टेक्स्ट बुक होती है उसमें से भी मैं रिवाइज करती हूँ। तो चलिए आज के दिन के ये लास्ट स्टडी स्लॉट के लिए मैं नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके आती हूँ टेबल पर से, एक ही मिनट। हाँ सो मैं आ गई हूँ इकोनॉमिक्स की नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके, एंड अभी ना मैं स्टडी टेबल पर नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ सोफा पे, क्योंकि मैंने सोचा आज मॉर्निंग को एंड आफ्टरनून को दोनों टाइम को मैं चेयर पर ही बैठी हूँ लाइक पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने सोचा अभी ना कुछ चेंज रहेगा एंड कम्फर्टेबल रहेगा। जनरली मैं आफ्टरनून में बेड पर पढ़ाई करती हूँ ना, और आफ्टरनून का स्लॉट स्टडी वाला ज़्यादा होता है, तो आफ्टरनून की जगह आज यहाँ पे इवनिंग में बैठी हूँ। फाइनली आई एम डन विथ ऑल द स्टडी ऑफ द डे, मतलब रिविजन पूरा आज मैंने मेरा हो गया है, तो आई थिंक इस ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि आज तो मैं लाइक नाइट स्टडी नहीं करने वाली हूँ, और पूरा जो जो स्लॉट्स है उसमें ही स्टडी हो गया है मेरा लाइक अच्छे से हो गया है। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।